पंजाब के प्रसिद्ध त्योहार लोहड़ी मेले का रंगारंग आगाज आज लाल कुआ नेशनल हाईवे के निरीक्षण भवन में हुआ। यहां पंजाबी महासभा के अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह तथा क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका ने लोहड़ी प्रज्वलित कर मेले का आगाज किया। आपको बता दें कि सारे विश्व में पंजाबी मूल के लोगों द्वारा लोहड़ी का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर सरदार गुरदीप सिंह ने कहा कि लोहड़ी का त्योहार अपने आप में एक हर्षोल्लास और खुशियों का त्योहार है तथा यह संसार को सर्वधर्म संभाव का संदेश देता है। उन्होंने लोहड़ी मेले की सभी को बधाई दी। इस अवसर पर पंजाबी महासभा के संरक्षण भाई हेमंत नरुल्ला ने क्षेत्रवासियों तथा पंजाबी समुदाय को लोहड़ी की बधाई दी तथा दुल्ला बट्टी वाले की कहानी सुनाई। लाल कुआ से संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। आपका धन्यवाद। लोहड़ी त्योहार की सारे समाज को, सिख समाज को, सभी लाल कुआवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उमंग का त्योहार है, मन में उमंग लेकर के आता है और आगे का नया रास्ता, नई सोच, नए कार्यक्रम हमको देता है। ये लाल कुआ और लाल कुआ के आसपास के क्षेत्र का सौभाग्य है कि अभी लोहड़ी मना रहे हैं, कल उत्तरायणी मनाई, परसों कौतिक मनाया, कभी छठ पूजा, कभी काशीनाथ पूजा, दुर्गा पूजा, काली माई पूजा और ईद भी हम सब लोग यहाँ लाल कुआ में मिलकर मनाते हैं। ऐसा सौभाग्य बहुत कम जगहों को मिलता है कि इतने सारे त्यौहार सब लोग मिलकर के सबको शुभकामना देते हैं, नई उमंग का संचार करते हैं। इस अवसर पर मैं पुनः आज लोहड़ी के कार्यक्रम में है, इस लोहड़ी त्यौहार की पर्व त्यौहार की शुभकामना देते हुए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उत्तरांचल जो हमारी पंजाबी महासभा है उसके सभी पदाधिकारियों का, सभी सभासदों का और सभी आयोजन मंडल में लगे हुए यहाँ के सभी महानुभावों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए शुभकामना देता हूँ। लोहड़ी जो है ये गरीबी और अमीरी की दूरी को जो खाई है उसको पाटने का त्यौहार है, आपसी भाईचारे का त्यौहार है, कौमी एकता का त्यौहार है और मिल बांट कर हम लोग लोहड़ी जलाते हैं और खुशियों के लिए मानते हैं। जो मन्नत यहाँ पे मानता है उसकी पूरी होती है और लोहड़ी का प्रतीक जो है उत्तराखंड का जो द्वार लाल कुआ में मनाई जा रही है, उत्तरांचल पंजाबी सभा लाल कुआ में ये जो मनाई जा रही है, आपसी कौमी एकता का गुलदस्ता है यहाँ पे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इसका हम लोग जो है इसी से विचारधारा को जोड़ते हुए लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं और गरीबी और अमीर की खाई को पाटते हुए सब एक हैं, छोटे बड़े सब एक हैं, इसका प्रतीक यही है। सब मिलके प्रसाद बांटते हैं और लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं। यहाँ पे सब सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे हैं, हिंदू भी आए हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई लोग भी आए हैं, सभी का प्रतीक जो लोहड़ी मेला है। ये उत्तरांचल का द्वार लाल कुआ जो है ये कौमी एकता का गुलदस्ता है, इसी को हम लोग कायम करते हुए होली का त्यौहार जो लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं और उत्तरायणी लोहड़ी सब एक है और हम शुभकामनाएं सबको देते हैं, सबकी मनोकामना पूरी कर होते हुए लोहड़ी का त्यौहार। धन्यवाद। ये लोहड़ी जो हमारे यहाँ हजारों सालों से मनाई जाती है, एक इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि एक दुल्ला भट्टी वाला अपने जमाने का डकैत हुआ करता था जो डकैती करके गरीबों को पाला करता था। उस समय सुंदर मुंद्री दो कन्याएं थी किसी गरीब घर की, वो किसी को उन्होंने दे दी और वो जबरदस्ती उसका विवाह कर रहे थे। वो दुल्ला भट्टी वाले ने उनको उनसे छुड़वा के उनकी शादियां सही जगह पे करवाई। ये हमारा दुल्ला भट्टी वाले को याद किया जाता है और इसके पीछे और भी कई वो हैं। ये जब सूर्य दक्षिण से उत्तरायण होता है तब ये उत्तरायणी मनाई जाती है। लोहड़ी और उत्तरायणी और पोंगल पूरे भारतवर्ष में इसकी कई कवि दंतियाँ हैं और जिसका अलग अलग बहुत महत्व है। महाभारत के टाइम पर जब महाभारत हो रहा था तो हमारे भीष्म पितामह जब मृत्युशैया पे थे तो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था तो उन्होंने भी प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया। तो इसलिए उत्तरायणी का बहुत महत्व माना जाता है क्योंकि ये हमारे माघ के महीने में पड़ती है, पापों का नाश होता है, सबको इसको करना चाहिए। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।